सो गाइस, दिस इज़ अ रैंडम व्लॉग। रैंडम व्लॉग किस वजह से रैंडम व्लॉग इसलिए क्योंकि जो अभी तक रमज़ान से लेकर अभी तक जो रूटीन बनी है, ये रूटीन बनी हुई है कि रात भर जागना है और दिन भर सोना है। तो अभी तक जो है मेरी यूनिवर्सिटी भी ओपन नहीं हुई। यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो रूटीन थोड़ी चेंज होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी तक ओपन नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रहा। ये जो रूटीन मेरी बनी हुई है ना कि रात भर जागना है और दिन भर सोना है, तो ये रूटीन मेरी बड़ी गलत बनी हुई है, जिसकी वजह से व्लॉग भी अपलोड नहीं हो पा रहे। तो आज वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जो M50 रखा है, D5600 को मैंने स्किप कर दिया है और M50 पे मैं आ गया हूँ। ये जो आप भी जो आप कैमरा देख रहे हो, ये M50 है और मुझे पता है कि इसकी जो लीड है वो उतरी हुई है, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं पड़ती इनडोर में किसी माइक्रोफोन की। तो अभी रैंडम व्लॉग बनाएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। तो अभी चलते हैं बाहर। What they talk about in movies, our love is what they talk about. What they talk about, yeah, we will walk and see. And we know that. So, सबसे पहले मैं जाऊंगा अंदर। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा नाश्ता करने और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलूँगा, क्योंकि किसी की पराई गाड़ी पे मैंने कैमरा सेट किया हुआ। तो वो आ गया तो फेंटी शेंटी लगा देगा भाई की। तो इससे पहले कि वो आ जाए तो अपन यहाँ से गायब हो जाता है। नाश्ता करने जाऊँगा सबसे पहले, फिर उसके बाद बताऊँगा कि M50 मैंने क्यों चूज़ किया। चलो, ये जो आप अभी रोड पे सफाई देख रहे हो, हाँ जी ठीक है, तो ये सब इनकी मेहरबानी है। ये आते हैं तो सफाई होती है और हमें रोड चमचमाता हुआ दिखता है। तो अगर ये लोग यहाँ पे सफाई ना करें तो हमारा जो गंद है, जो हम लोग गंद फेंकते हैं, तो यहीं पे वो पड़ा रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इनको कुछ मुश्किलें पेश आती हैं। क्या मुश्किलें आपको पेश आती हैं? ये मुश्किलें हमने इधर 15-16 साल हो गए हैं, बंदे सब कच्चे हैं। अच्छा, काठी बंदे पक्के हैं, मतलब पक्का नहीं करते, नौकरी में पक्का नहीं करते, पक्का नहीं करते। क्या ये हमारे लिए सफाई करते हैं, रोड को साफ सुथरा करते हैं और कचरा ना फैलाया करें? रोड पे मैं देखता हूँ कि आप लोग कचरा फेंक देते हैं, तो ना फैलाया करें, मेहरबानी करें। ठीक है चाचू, शुक्रिया, बड़ी आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा कि उनकी जो जॉब है वो बिल्कुल पक्की नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत से कहा जाए कि हमारी जॉब पक्की की जाए, ताकि उनको ये एतमाद हो कि उनकी जो जॉब पक्की है और घर वो तनख्वाह इतनी लेके जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये जो बूथी शरीफ है अच्छी नहीं लगती, तो उस क्लिप को थोड़ा सा कट करके आप लोग मेरे चेहरे पे ब्लर कर सकते हो, ब्लर करके उस जो चाचू वाला क्लिप है उसको शेयर कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे M50 मैंने क्यों चूज़ किया, और ये है रेलवे रावलपिंडी स्टेशन, चलते हैं। वैसे तो मुझे नैकन D5600 के साथ कोई ख़ास पंगा, कोई ख़ास इशू तो है नहीं, लेकिन एक इशू है कि उसके साथ जो एक बॉडी है वो क्रॉप बॉडी है। दूसरा ये कि अभी आप देख रहे हो कि इसका जो फेस डिटेक्शन है वो इतना कुछ ख़ास नहीं है, तो अभी भी वो डिटेक्ट कर रहा है मेरे फेस को कि कहाँ पे मैं फोकस करूँ, लेकिन उसने बैकग्राउंड को फोकस किया हुआ है। तो एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि हर ब्लॉगर की एक प्रायोरिटी होती है कि उसका जो ब्लॉगिंग कैमरा है वो वाइड एंगल हो, या फिर उसका जो लेंस है वो वाइड एंगल लेंस हो। तो इसके कैनन EOS M50 के साथ जो लेंस आता है वो 1545 लेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी वाइड एंगल दिखाता है। अभी दोनों जो हैं, ये वाला कैमरा और नाइकन D5600 कैमरा, जो दोनों हैं एक ही मतलब एंगल तो नहीं, एक ही डिस्टेंस पे पड़े हैं, लेकिन आप देख रहे हो इसकी जो विड्थ और लेंथ है वो इतनी है, ठीक है, और इसकी जो है वो काफ़ी वाइड है। तो ये काफ़ी एरिया जो है पीछे का कवर करता है और ये थोड़ा बहुत एरिया कवर करता है। तो ये थी मेरी कुछ ख़ास पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये कैनन का EOS M50 को चूज़ किया है, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छी ऑफ़र मौजूद है तो उसको अवेल करना चाहिए। मेरे पास एक अच्छी ऑफ़र थी कि मैं M50 को रखूँ, तो मैंने रखा है। अगर कोई अच्छा कैमरा मैं ले सका तो इसके बाद मैं वो कैमरा लूँगा इंशाल्लाह, और फिर आपको बताऊँगा कि वो मैंने कैमरा क्यों लिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, और कल मैं बनाने जा रहा हूँ एक वीडियो जो कि है ड्रोन पे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना इंशाल्लाह, तो पसंद आएगी। वो वीडियो मैं कल बनाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
ہے۔